अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो। मौजूदा हफ्ता 18 से 24 सितंबर 2017 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सहरा मरीख 6 से 30 सितंबर जायजा के छठे घर में मौजूद है। यहाँ आपकी मुलाजमत से जिम्मेदारियों में इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जबकि आपको अपने मातहत अफराद से मुताहत रहने की जरूरत भी होगी। अपनी सेहत की तरफ खासतौर पर आपको तवज्जो भी देना होगा। 17 और 18 सितंबर को मरीख का करान की वजह से काम करेंगे, आपकी सलाहियत बढ़ सकेगी, जेर इल्तवा जो आपके मामलात हैं उनको मुकम्मल कर सकेंगे, मेंटली आपको खासा रिलीफ मिल जाएगा, जबकि हालात के मुताबिक मुस्बत फैसले भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 18 सितंबर को दूसरे अफराद से जो इख्तलाफात हैं उनका खर्चा सामने आ सकता है। 19 सितंबर को सरमायाकारी करते वक्त एहतियात से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। 20 सितंबर को घरेलू और मुस्तकबिल से मुतल्लिक उमूर में तरक्की का अंसर गालिब रहेगा, जबकि 21 सितंबर को रोमानवी और सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर में कोई खुशखबरी सुन सकेंगे। 22 सितंबर को अपनी ख्वाहिशात को तकमीयत दे सकेंगे, जबकि रोमांस में आपको खुशी हासिल हो सकेगी। इसी तरह 23 सितंबर को जाती तौर पर कोई मनसूबा बंदी करके खुशी हासिल कर सकेंगे। 24 सितंबर को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सकेंगे और यही बहुत बड़ी आपके लिए खुशी की खबर होगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल सफर के साथ असरात का आमदन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल सफर के जो एहतियात तलब दिन है वो 18 और 20 सितंबर के साथ ही हो सकता है। बुर्ज सौ टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सहरा जोहरा 1 से 20 सितंबर तक चौथे घर में रहते हुए आपके खान के मामलात में मुस्बत पहलू उजागर करने का बायस बन सकेगा, जबकि जो आपके लिए खासा खुशी का सबब होगा। इसके अलावा जमीन जायदाद और सवारी की खरीदो फरोख्त यानी पर्सनल कन्वेंस की खरीदो फरोख्त भी आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकेगी। इसके साथ साथ 21 सितंबर से 30 सितंबर तक जोहरा जो है वो जायजा के पांचवे घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके रोमानवी माहौल को खुशगवार बनाने के अलावा उलास से खुशी और राहत का हुसूल आपके लिए मुमकिन बना पाएगा, यानी अपने बच्चों की तरफ से आपको खुशी की खबरें मिल सकेंगी। 18 और 19 सितंबर को जोरा यूरेनस तसलीस होने की वजह से आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियत निखरने से अपने मुनफरद ख्याल का आप इजहार कर पाएंगे, जबकि दूसरों से आपके रवाबत भी बढ़ सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा, 18 सितंबर को वर्जिश और खुराक के मामलों में प्रोग्राम मुरतब करने के अलावा आप अपनी मौजूदा जो रिहाइश है उसकी पोजीशन या उसका हाल अहवाल बेहतर कर सकेंगे, उसको डेकोरेट कर सकेंगे या अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। 19 सितंबर को दूसरे अफराद का तावन आपको हासिल होने से आमदन और अखराजात में तोज़न कायम कर पाएंगे, जबकि 20 सितंबर को बेरोजगार अफराद को रोजगार के लिए कोशिश करना पड़ेगी ताकि अपनी समाजी पोजिशन को बेहतर बना सकें और अपना रोजगार के लिए भी कुछ अच्छे मौके हासिल कर सकें। 21 सितंबर को कोई ऐसी खबर सुन सकेंगे जिसके लिए आपको अहम इकदाम करने की जरूरत पेश आ सकती है। 22 को ख्वाहिशमंद अफराद अपनी शादी खाना आबादी उसके जो है इंतजाम में मसरूफ रहेंगे, अपने जो भी तैयारी है मुकम्मल करने के लिए उनकी एक्टिविटीज सरगर्मियाँ यानी बढ़ सकेंगे। 23 सितंबर को अपने मुस्तकबिल को दुरक्षा बनाने के लिए आपको खास तौर पर तवज्जो देना होगी, जबकि अपने दोस्त हैं बाप से अगर आप मशवरा करेंगे या उनसे रब्ता रखेंगे तो वो भी आपके लिए फायदा मंद साबित होगा। 24 सितंबर को कुछ महंगी अशिया की खरीदारी जो है वो करने की वजह से आपको जो है वो थोड़ा सा सोचो विचार से काम लेना पड़ेगा, वरना हालात घर के जो है वो गड़बड़ हो सकते हैं, इसलिए मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल सफर के साथ असरात के जो आमदन 18 और 23 सितंबर, जबकि मामूल सफर के मनुष्य असरात का आमदन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज जौजा जमनाए, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सहरा तारत 11 से 30 सितंबर शर्फी घर में मौजूद होगा। आपको घरेलू सुख मिलने के साथ साथ जमीन और जायदाद की खरीदो फरोख में भी फायदे जो है वो मिल सकेंगे और अपनी जाती सवारी जो है उसके हसूल की ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी। 17 और 18 सितंबर को अतारत मरीख करान होगा, जिसकी वजह से आपकी तकनीकी सलाहियतों में महारत बढ़ने से आपको जहनी पोतगी भी हासिल हो सकेगी और इसी वजह से आपकी अजीज व अकारब में जो है वो कुछ जो मामला बिगड़े हुए थे वो कुछ बेहतर हो सकेंगे, और जबकि उसके साथ साथ जहाँ रात बिल्कुल कटे हुए थे सिलसिले आपके वो सिलसिले दोबारा से शुरू हो जाएंगे। दरीना ख्वाहिशात की तकमील हो सकेगी या कुछ दोबारा से मिलकर आप
तजदीद रस्म कर पाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, आप रिकॉन्टिन्यू कर लेंगे। अगर इस दौरान कोई सफर आप इख्तियार करेंगे तो यकीन वो भी आपके लिए खासा बेनिफिशियल होगा। 22 और 23 सितंबर को अतारत प्लूटो तसलीस होगी, जिसकी वजह से अपने नफसियाती मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर सकेंगे, जबकि दूसरों के साथ आपका अंदाज गुफ्तगू या अंदाज तखातुब जो है वो खासा इफेक्टिव होगा, दूसरों पे असरअंदाज होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 18 सितंबर को रोमानवी उमूर के साथ साथ बच्चों से मुतलका मामला जो है वो खुशी का बायस बनेंगे। 19 सितंबर को घर पर तकरीबात मुनक्कद करने का मौका मिल सकेगा, जबकि 20 सितंबर को सरमायाकारी करने के मुतालिक जो जब पैदा होने वाले मिसाइल थे या सामने आने वाले मिसाइल है उन पर गौर व फिक्र करके उनको हल कर सकेंगे। 21 सितंबर को मुलाजमत में तरक्की के लिए कोशिशें कर सकेंगे। 22 सितंबर को आप अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करने की वजह से अपने नाम मुकम्मल जो उमूर हैं या नामुकम्मल मनसूबे मामला उनको मुकम्मल करने की तरफ ले जाएंगे और यकीनन उसमें कामयाब ठहरेंगे। 23 सितंबर को 23 सितंबर को शादी ब्याह के मामला को संजीदगी से तय कर सकेंगे। 24 को आप कानूनी मामला में खास से मुहतात रहना होगा आपको, या कहना ये चाह रहा था कि मुहतात रहिएगा ताकि जो बाकी सिलसिले हैं आपके वो गड़बड़ ना हो। इसके साथ साथ रोमानवी और समाजी उम्र में भी आपको कामयाबी का इम्कान यकीनन नजर भी नहीं आएगा बल्कि मिल सकेगा और आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो सात उसात के हामिल दिन वो 18, 19, 22 और 24 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़कर मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का पहला हिस्सा एक्स्ट्रा सीरियल